उत्तर प्रदेश के रामपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां एक कोरोसिन के गोदाम में आग लग गई है। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल अभी अभी की घटना है, जहां पर एक कोरोसिन के गोदाम में आग लगी है, भयंकर आग लगी है। बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ कोरोसिन तेल रखा था, किसी कारण से आग लग गई है, लेकिन अभी तक कुछ बताना मुनासिब नहीं होगा कि कितनी हानि हुई है और कितना नुकसान हुआ है। बहरहाल हमारी इस खबर पर नज़र बनी हुई है, देखते रहिए रोहिलखंड समाचार। इस समय सराय गेट में एक गोदाम में आग लगी है। फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि आग कितनी भारी है। हो सकता है कि इनलीगल रूप से यहाँ कोरोसिन तेल या डीजल रखा हो। अभी भी फायर विभाग के लोग लगे हैं कि किसी तरह से आग बुझे और आग पर काबू पाया जाए। करीब 3-4 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो आग बुझाने का काम कर रही हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक फायर के जो अधिकारी हैं वो भी हैं। बॉस, कितना बड़ा आग है? आग ये जैसा ये बता रहे हैं, यहाँ पर डीजल या केमिकल रखा हुआ है। करीब 45 मिनट हो गए आग की सूचना को, तो कंटिन्यूसली बुझाया जा रहा है, क्योंकि केमिकल है और मट्टी का तेल है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। कितनी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं? 3 गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पर। रामपुर की हैं? नहीं, रामपुर की ही तीनों गाड़ियाँ हैं। तो अभी आग पाने में कितना समय लग सकता है? क्योंकि जो कंटेनर है, कंटेनर में डीजल या केमिकल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो जब तक वो पूरा नहीं निकल जाएगा तब तक उस पर पानी मारा जाएगा। विभाग पे काबू पा लिया जाएगा। विभाग भी परेशान है कि आग पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि आग जितना बुझा रहे हैं उतना आग ऊपर को आ रही है पानी डालने के साथ ही। बहरहाल स्थिति अभी अच्छी नहीं है, और ये भी एक सोचने की बात होगी कि यहाँ पर जो गोदाम में तेल रखा था वो लीगल है या इनलीगल है।